हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ स्टडी। स्टूडेंट्स, वॉइस ऑफ स्टडी चैनल पे आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है, वेलकम है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 3। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज़ डीप वाटर। सो डीप वाटर का जो फर्स्ट पार्ट था, जिसमें 7 क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट किए थे, वो पार्ट 1 में अपलोड हो चुका है, वीडियो चैनल पे मौजूद है, आप जाके उसको वॉच कर सकते हैं। लिंक उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं। स्टूडेंट, दिस इज़ मी हैदर सर। सो लेट अस स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, पहले इन्फॉर्मेशन हम आपको दे दें कि जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं चैप्टर 3 में, अपने क्लास 12th की इंग्लिश बुक जो फ्लामिंगो है, तो उसमें टोटल जो है वो 14 क्वेश्चन हैं। 14 क्वेश्चन हैं, जिसमें पार्ट 1 में 7 क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट किया है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट द रिमेनिंग 7 क्वेश्चंस, द आंसर्स ऑफ 7 क्वेश्चंस, ओके, इन दिस पार्ट, एंड दैट इज सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर 3, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। हियर्स क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाउ डिड ऑल एफर्ट सीज, व्हाट हैपन देन। तो जो क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको हम क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए एक्सप्लेन करते हैं ताकि जब क्वेश्चन की मीनिंग आपको समझ में आएगी, उसका मतलब समझ में आएगा, तो आंसर आराम से आपको अटेम्प्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब ये है कि हाउ डिड ऑल एफर्ट सीज, सीज का मतलब होता है रुक जाना, कैसे सारी एफर्ट जो है वो रुक गई, व्हाट हैपन देन, और तब क्या हुआ। तो जो ऑथर हैं इस स्टोरी के, विलियम डगलस, वो अपने बारे में इस स्टोरी में एक्सप्लेन करते हैं। सो यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना है कि व्हेन ही स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, जब उन्होंने तीसरी बार जो है वो कोशिश की, स्टार्टेड डाउन मतलब नीचे उतरना स्टार्ट किया, थर्ड टाइम तीसरी बार, ही सक्ड फॉर एयर, तो उन्होंने जो है वो एयर को सक किया, एंड गॉट वाटर, और उसके बजाय उनके मुंह में जो है वो पानी गया। गॉट वाटर का मतलब पानी गया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और जो ये येलो कलर की लाइट थी वो गोइंग आउट का मतलब समाप्त हो रही थी। देन ऑल द एफर्ट सीज, और तब सारे जो उनके प्रयास थे वो रुक गए थे। लेट्स द सेकेंड पार्ट। उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन है उसका आंसर रिमेन है अभी कि एज ऑल एफर्ट सीज, जैसे ही सारे प्रयास रुके, डगलस बिगेन टू रिलैक्स, तो उनको थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ, ही फेल्ट हिज लेग्स बिकम लिम, और उन्हें ऐसा आभास हुआ कि उनके पैर जो थोड़ा हल्के हुए, एंड ए ब्लैकनेस स्विफ्ट ओवर हिज ब्रेन, और एक जो ब्लैकनेस थी स्विफ्ट ओवर वो चली गई थी हिज ब्रेन, उनके माइंड से, मस्तिष्क से, इट वाइप्ड आउट फियर एंड टेरर। वाइप्ड का मतलब होता है हटा देना या समाप्त करना, तो इसने जो है वो समाप्त कर दिया था उस फियर को और टेरर को जो डगलस के मन में था। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब और कोई जो है वो पैनिक नहीं था, पैनिक का मतलब होता है डरने की बात, तो अब और कोई डरने की बात नहीं थी। ही फेल्ट क्वाइट एंड एट पीस, तो उन्होंने बिल्कुल शांति जो है वो महसूस किया, क्वाइट एंड पीस, एज इफ देयर वॉज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जैसे कि वहाँ पर कोई भी चीज़ डरने के लिए नहीं हो, मतलब जो डर था, जो पानी का भय था उनके मस्तिष्क में और मन में, वो पूरी तरह से समाप्त हो गया था। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट वॉज डगलस कंडीशन, डगलस की क्या कंडीशन थी आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड, मतलब जब उनको बचाया गया। यहाँ पे जो मीनिंग है एस्केप, इसका मतलब होता है बच निकलना, तो जब वो इस जो ट्रेजेडी हुई उनके साथ, जो वो पानी में डूबने लगे, तो उससे जब बच के वो निकले, तो क्या कंडीशन थी उनकी, आपको ये एक्सप्लेन करना है। देन कम टू द आंसर। इसका आंसर है डगलस वॉज नियरली डाइड, वो लगभग एकदम मूर्छित हो चुके थे, एंड वॉमिटिंग, और वॉमिटिंग कर रहे थे आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड, बचने के बाद, फ्रॉम द पूल, उस पूल से, आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पूल, ही कुड नॉट ईट दैट नाइट, और उस रात वो खाना नहीं खा सके, फॉर डेज ए हंटिंग फियर वॉज इन हिज हार्ट, और कई दिनों तक, फॉर डेज का मतलब काफ़ी दिनों तक जो है एक ऐसा भय था जो उनका उनके हृदय में था, और वो उनका पीछा करता था, मतलब वो एक भय से पीड़ित रहते थे काफ़ी दिनों तक। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, व्हाट डिड डगलस कम टू नो आफ्टर फ्यू इयर्स लेटर, तो कुछ सालों बाद वो क्या समझे, क्या उनको मालूम हुआ, व्हाट डिड ही वांट देन, तब वो क्या चाहते थे। सो लेट्स कम टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे देख रहे हैं आंसर जो है, आप इस स्क्रीन पे अपनी देख रहे होंगे,
के द हैंडीकेप स्टेट विद हिम, जो क्वेश्चन था आपका, व्हाट डिड डगलस कम टू नो आफ्टर फ्यू ईयर्स, आफ्टर फ्यू ईयर्स व्हाट डिड ही वांट देन, तो इसका आंसर है द हैंडीकेप। हैंडीकेप का मतलब होता है रुकावट स्टूडेंट्स, जो रुकावट थी स्टेट वो रुकी रही विद हिम उनके साथ, एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष गुजरते गए वो जो उनकी वहाँ पे रुकावट थी, मतलब जो स्विमिंग के लिए वो तैरना चाहते थे, उसको सीखना चाहते थे, वो प्रयास में वो सफल नहीं हो रहे थे। वेयर एवर ही वेंट, जहाँ भी वो जाते थे, द हंटिंग फियर ऑफ वाटर, पानी का वो जो डरावना भय था वो उनका पीछा करता था, फॉलोड हिम, उनसे पीछे पीछे रहता था। देन ही वॉन्टेड टू ओवरकम दिस फियर, और वो इस फियर से जो ऊपर आना चाहते थे। फाइनली ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, और अंत में उन्होंने निश्चय किया एक इंस्ट्रक्टर की हेल्प लेने का। इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है सिखाने वाला। एंड लर्न टू स्विम, और उससे वो सीखना चाहते थे तैराकी। सो इस तरह से इसका जो आंसर है वो फिनिश हुआ। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आई वांट टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज़, अगर अभी तक आपने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल का नाम है वॉइस ऑफ स्टडी, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलते रहें, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं चाहे कोचिंग में हो चाहे कॉलेज में हो, उनको आप शेयर करते रहें वीडियो, ताकि उनका भी हेल्प हो सके। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे है, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, जो इंस्ट्रक्टर था उसने क्या किया डगलस को ट्रेन करने के लिए, तो आपको इसका आंसर देना। द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू एक्सेल अंडर वाटर, पानी के अंदर जो है एक्सेल करना, एक्सेल का मतलब होता है सांस छोड़ना, तो पानी के अंदर किस प्रकार से एक्सेल करना है ये उन्होंने विलियम डगलस को बताया। एंड इनहेल, और इस किस प्रकार से सांस ली जाती है थ्रू ए रेज्ड नोज, ठीक है, ऊपर उठी हुई नेज, मतलब जब आदमी तैरता है पानी में तो मुँह जो है वो ऊपर रहता है, तो उस प्रकार से कैसे जो है वो सांस लेना है और छोड़ना है ये उसने सिखाया इंस्ट्रक्टर ने उनको। ही मेड हिम किक हिज लेग्स, जब तैराकी में पाँव किस प्रकार से चलाते हैं ये उसने बताया, टू मेक्स देम रिलैक्स। एंड इन स्टार्टिंग द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट, और शुरुआत में इंस्ट्रक्टर ने एक बेल्ट जो है उनको दिया, एक पुट का मतलब उनके ऊपर रखा या पुट उनको जो है उस बेल्ट से जो है उसने बांधा, अराउंड हिम उनके चारों ओर, एंड ए रोप वाज अटैच टू द बेल्ट, और एक रस्सी जो है मतलब एक बेल्ट लगा दिया उनको और उस बेल्ट में एक रोप लगा दिया, रस्सी लगा दिया, जिससे कि वो तैरें तो कोई ट्रेजडी ना हो सके, वो डूब ना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाज डगलस सेटिस्फाई आफ्टर द ट्रेनिंग, क्या उस ट्रेनिंग से डगलस सेटिस्फाई थे, ये आपको आंसर बताना है। इफ़ नॉट, अगर नहीं थे तो वाई, क्यों। लेट्स कम टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नो, यहाँ पे आपका आंसर होगा नो, डगलस वाज नॉट सेटिस्फाई आफ्टर द ट्रेनर, आफ्टर द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद डगलस जो है वो सेटिस्फाई नहीं थे, बिकॉज ही वाज अंडर द फियर, क्योंकि वो भय में जी रहे थे, दैट द टेरर ऑफ वाटर, जो पानी का आतंक था, वुड गेट होल्ड ऑन हिम अगेन वाइल स्विमिंग, जब वो स्विमिंग करने जाते थे तो जो पानी का आतंक था वो हमेशा उनका पीछा करता था, उनको होल्ड किए रखता था, मतलब उनको पकड़े हुए था, उस भय से वो उबर नहीं पाए थे। सो अनदर नीडेड, सो आथर, सॉरी यहाँ पे जो वर्ड है सो के बाद आथर, सो आथर, आथर का मतलब विलियम डगलस जो राइटर है, राइटर ऑफ द स्टोरी, उसको आथर बोलते हैं। सो आथर नीडेड मोर प्रैक्टिस फॉर परफेक्शन, परफेक्शन का मतलब होता है कंप्लीशन जो होता है, जिसको मतलब पूर्णता बोलते हैं, तो उसमें जो है वो सक्षम होने के लिए तैराकी में आथर नीडेड, जो विलियम डगलस थे उनको और आवश्यकता थी मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस करने के लिए फॉर परफेक्शन, यानी सक्षम होने के लिए उनको और प्रैक्टिस करना था। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, वेयर डिड डगलस गो टू क्लियर हिज रेसिडुअल डाउट्स, डगलस अपने रेसिडुअल डाउट्स को क्लियर करने के लिए कहाँ गए। रेसिडुअल डाउट्स का मतलब जो छोटे छोटे डाउट्स थे, शक थे, उनको दूर करने के लिए वे कहाँ गए, व्हाट डिड ही डू फॉर इट, और इसके लिए उन्होंने क्या किया। सो लेट्स कम टू द आंसर, डगलस वेंट मेडिए ग्लेशियर एंड कैम्प्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वाटर, बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, तो इसका आंसर हुआ डगलस वेंट मीड ग्लेशियर, तो मिड ग्लेशियर वो गए एंड कैम्प्ड, कैम्प्ड का मतलब होता है शिविर लगाना, तो उन्होंने शिविर लगाया इन द हाई मीडो, ऊपर स्थित हुई एक चरागाह पे
और जो जगह थी वो मिड ग्लेशियर थी, तो मिड ग्लेशियर पर ऊंची चरागाह पे बाय द साइड ऑफ वार्म लेक और एक गर्म झील के बगल में उन्होंने अपना शिविर लगाया, कैंप लगाया। डगलस रिमूव्ड हिज रेसिडुअल डाउट्स, डगलस ने अपने रेसिडुअल डाउट्स को, छोटे छोटे शक को जो है वो दूर किया बाय स्विमिंग अक्रॉस वार्म लेक। उस वार्म लेक में, उस गर्म झील में उन्होंने तैर के अपने डाउट्स को दूर किया। टू द अपोजिट शोर, अशोर का मतलब यहाँ पे होता है सीना यानी सिरा या किनारा। तो उस वार्म जो लेक थी, जो गर्म झील थी, उसके दूसरी ओर पर वो तैर के जाते थे एंड बैक, और वो वापस आते थे। तो इस प्रकार से जो है वो ये आंसर जो है आपका एंड होता है। वंस मोर इसको हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं क्योंकि क्लियर नहीं हो पाया। डगलस वेंट मीट ग्लेशियर, डगलस मीट ग्लेशियर गए एंड कैंप्ड इन द हाई मीडो, और ऊंचाई पर स्थित एक मीडो में, चरागाह में उन्होंने अपने कैंप को लगाया बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, जो कि वार्म लेक के बगल में थी। डगलस रिमूव्ड हिज रेसिडुअल डाउट्स, डगलस ने अपने रेसिडुअल डाउट्स को, छोटे छोटे शुभ को जो है वो दूर किया बाय स्विमिंग अक्रॉस वार्म लेक। उस वार्म लेक में स्विमिंग करते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे पर उन्होंने स्विमिंग किया और अपने डाउट्स को दूर किया। टू द अपोजिट शोर एंड बैक, और मतलब वो अपोजिट शोर एंड बैक का मतलब दूसरे सिरे पर जाते थे और फिर वापस आ जाते थे। लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, हाउ वाज द एक्सपीरियंस अ डीप मीनिंग फॉर डगलस। जो एक्सपीरियंस था तो डगलस के लिए वो कैसे जो है वो एक डीप मीनिंग में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस एक्सपीरियंस मतलब ये जो एक्सपीरियंस था वार्म लेक का, हैड ए डीपर मीनिंग, एक डीपर मीनिंग थी फॉर डगलस, डगलस के लिए, बिकॉज ही हैड एक्सपीरियंस्ड। तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया बोथ द सेंसेशन, दोनों प्रकार से। सेंसेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो यहाँ पे सेंसेशन ऑफ डाइंग यानी जो भाव होता है, सेंसेशन का मतलब भाव या अनुभूति या एहसास जो होता है। बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग यानी दोनों प्रकार से उन्होंने एक्सपीरियंस किया, सेंसेशन ऑफ डाइंग यानी मरने की अनुभूति एंड द टेरर और उस आतंक की अनुभूति, दैट फियर ऑफ इट, जो कि फियर किए हुए था, भय किए हुए था इनके अंदर, कैन प्रोड्यूस। यहाँ पे आप देख रहे होंगे फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, मतलब जो भय था जो उनके हृदय के अंदर जो है वो उत्पन्न हो रहा था, और जो मरने की अनुभूति थी, दोनों ही चीज़ों को उन्होंने जो है वो एक्सपीरियंस किया वहाँ पे। ही लर्नड द विल टू लिव इन ग्रेट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब होता है गहराई। ही लर्नड उन्होंने सीखा द विल इच्छाओं को टू लिव इन ग्रेट इंटेंसिटी, कैसे बहुत ही गहराई से जो है वो जिया जा सकता है, इस बारे में भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया। दिस एक्सपीरियंसेस कैन ओनली बी रियलाइज्ड, और ये एक्सपीरियंस सिर्फ जो है रियलाइज किए जा सकते हैं, अनुभव किए जा सकते हैं बाय दोज, उन लोगों के द्वारा, हु हैड फेस, जिन्होंने सामना किया, टू कॉन्क्वायर इट, और जिन्होंने इस पर विजय प्राप्त की। कॉन्क्वायर का मतलब होता है विजय प्राप्त करना। सो स्टूडेंट्स इस प्रकार से जो है वो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 14 थे उनको हमने कवर किया, और हम आपको फिर से जो है रिमाइंड करना चाहते हैं कि ये 7 क्वेश्चंस को हमने अटेम्प्ट किया है। ये स्टार्ट के 7 क्वेश्चंस जो है वो पार्ट 1 में है, जो कि इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है, वहाँ पे आप जाके वॉच कर सकते हैं। सो आई होप यू विल एंजॉय द आंसर ऑफ दिस 7 क्वेश्चंस। जो नेक्स्ट सेकेंड पार्ट का था उसको आपने एंजॉय किया होगा। अपने कमेंट ज़रूर दें, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जो व्यूवर्स स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो चैनल वाइस ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो इसी तरह से आपको मिलती रहे। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।